Assalamu alaikum students, I hope so you are fine. We are back with another video lecture. More about paint, unit name. And in this video lecture, we will cover our objective type questions. So the first topic is fill in the blanks, write in your notebook and learn. The statements are given to you and the words are also given. So you have to fill in the blanks with the suitable word. First statement is the dash option is used to cut the selected part of a drawing. कि आप cut option कि आपने कोई भी drawing का part जो है उसको cut करना है तो कौन सा option use करेंगे cut. Second है the dash option shows the larger view of the image. कि आपको image का larger view आपने देखना है यानी कि image को बड़ा करके देखना है तो कौन सा option use करेंगे zoom in option use करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है द डैश ऑप्शन शोज द स्मॉलर व्यू ऑफ द इमेज जूम आउट. कि अगर स्मॉलर व्यू देखना है तो फिर कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जूम आउट. लार्जर व्यू के लिए जूम इन एंड स्मॉलर के लिए जूम आउट. द अंडू कमांड इज यूज टू डैश द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड रिवर्स. क्या आपने अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करना है तो हम अंडू बटन यूज करेंगे. अगर आपने पीछे भी क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा है कि अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करना है तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं अंडू बटन यूज करते हैं. लाइक आपने क्वेश्चन में पढ़ा था फ्लॉर वाले में कि अगर आपने विदाउट फ्लॉर देखना हो वो ड्राइंग को तो फिर हम कौन सा बटन यूज करते थे अंडू. You can select a part of a drawing using the dash tool, select tool. क्या आपने select tool use करते हुए कोई भी drawing का जो part है उसको select करना है. Okay? Next topic is true or false. Write in your notebook and learn. The statements are given. Write T for the true statement and F for the false one. So the first statement is द फ्लिप ऑप्शन इज यूज टू रोटेट आर ड्राइंग. के जो फ्लिप ऑप्शन है वो ड्राइंग को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. डेट इज रॉन्ग, वी विल राइट एफ. द फ्लिप ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द मिरर इमेज. यू कैन सेट आर ड्राइंग एज आर डेस्कटॉप बैकग्राउंड. कि आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे अपनी ड्राइंग को सेट कर सकते हैं. यस डेट्स ट्रू. We will write T. You can reverse the last action performed using the undo command. कि आप undo command को use करते हुए जो last action perform किया है उसको reverse कर सकते हैं. Yes, that's true. The keyboard shortcut for the cut option is Ctrl plus R. No, false. Ctrl plus X होता है. You cannot change the size of a drawing. क्या आप drawing के size को change नहीं कर सकते. That is false. F. कर सकते हैं. Recently you have already learned about the resize button. So you can change the size of a drawing by using the resize option. So the next topic is choose the correct option. Write in your notebook and learn. Here are four options given. You have to select one of them. First statement is the shortcut keys for copying something are. कि अगर आपने किसी चीज को कॉपी करना है किसी डॉक्यूमेंट को किसी ड्राइंग को किसी इमेज को तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं. फर्स्ट ए ऑप्शन आपके पास कंट्रोल प्लस वाई, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस सी एंड डी कंट्रोल प्लस वी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस सी. टू चेंज द एंगल ऑफ द ड्राइंग डैश ऑप्शन इज यूज्ड. कि आपने अगर ड्राइंग का एंगल चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं. ऑप्शन ए रोटेट, ऑप्शन बी फ्लिप, ऑप्शन सी कॉपी, डी अंडू. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. We will use the rotate tool.
Diffraction is used to increase or decrease the size of our drawing. ड्राइंग के साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ऑप्शन ए कॉपी, बी पेस्ट, सी सिलेक्ट, डी रीसाइज। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, रीसाइज बटन। सिंबल फॉर जूम इन ऑप्शन इज, जूम इन ऑप्शन की सिंबल कौन सी होती है? ए इमेज देखें आप, बी में, सी एंड डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जूम इन इमेज के जो आइकन होता है या फिर जो सिंबल होती है वो बी ऑप्शन वाला है। ठीक है, द डैश ऑप्शन इज यूज टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। क्या आपने ड्राइंग के सिलेक्टेड पार्ट को कट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ऑप्शन ए कट, बी कॉपी, सी फ्लिप, सी डी रोटेट। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। कट ऑप्शन इज यूज टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ ड्राइंग, टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कट एंड द पेस्ट टूल। इन द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कशीट 1, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। Question is, rearrange the given jumbled words to form word to related to computers. कि ये जो आपको words given है इनको आपने arrange करना है कि computer से related जो भी words हैं वो आपने बनाने हैं। ठीक है, first देखें अगर हम इनको rearrange करके देखें तो हमारे पास बनता है hardware. The physical parts of the computer are called hardware. नेक्स्ट को रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। आइकन्स, small pictures on the desktop are called icons. And the last one is taskbar. Okay, you can change the position of the taskbar, we have already learned about it. Who am I? I am used to store a group of files. कि मैं बहुत सारी files को store कर सकता हूँ तो मैं कौन हूँ बताएं? The answer is folder. Yes, you can store a group of files or folders in the folder. Okay? I am a piece of information stored in a computer. कि computer में जो information store की जाती है मैं वो हूं तो बताएं, हु एम आई? फाइल। आई एम द बटन प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। कि मैं एक बटन हूं और टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता हूं तो बताएं मैं कौन हूं? हु एम आई? स्टार्ट बटन। यस, स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। I am the tab present in the paint window that has cut and copy options. के paint window में जो tab, मैं एक tab हूँ paint window में जो कि cut और copy options को place करता हूँ तो बताएं मैं कौन हूँ? कि ऐसा paint window में आपका tab है जिसमें cut और copy options के जो options जोन से हैं वो paste होते हैं तो बताएं वो कौन सा tab है? Home tab. I am the toolbar that has undo and the redo buttons. कि मैं एक toolbar हूँ जिसपे undo और redo buttons होते हैं तो बताएं मैं कौन हूँ? Who am I? Quick access toolbar. Okay.
Now move to the next question. Name the tool option button of the paint window used to do the following. कि आपने बताना है कि कौन सा बटन या ऑप्शन या टूल जो है वो ये जो आपको नीचे गिवन है को जो भी आपके पास स्टेटमेंट है ये काम करती हैं डिफरेंट टूल्स. तो बताएं कि कौन सा टूल क्या काम करता है. पहली स्टेटमेंट है आपके पास चेंज द एंगल ऑफ द होल और द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग. कि अगर हमने ड्राइंग के सारे पार्ट पूरी ड्राइंग को या फिर ड्राइंग के सिलेक्टेड पार्ट के एंगल को चेंज करना हो तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं या ऑप्शन यूज करते हैं. रोटेट ऑप्शन. यस रोटेट ऑप्शन इज यूज टू चेंज द एंगल ऑफ द ड्राइंग. इंक्रीज टू डिक्रीज द साइज ऑफ द ड्राइंग. इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द ड्राइंग. अगर ड्राइंग के साइज को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं. रीसाइज टूल. ट्विस्ट द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल डायरेक्शन. कि अगर आपने ड्राइंग को ट्विस्ट करना हो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में तो बताएं कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं. स्क्यू ऑप्शन. ठीक है. अब भी आपने पीछे भी पढ़ा होगा फ्लिप ऑप्शन भी पढ़ा है कि जो मिरर इमेज क्रिएट करता है. ठीक है. तो इस सेम एज इट इज अगर आपने ड्राइंग को ड्रॉ की है तो आपने इसको ट्विस्ट करना है हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं. फ्लिप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं उसको और स्क्यू ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. फ्लिप ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं कि मिरर इमेज क्रिएट हो और ट्विस्ट करने के लिए स्क्यू ऑप्शन यूज करेंगे. सेट अ ड्राइंग एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. कि अगर आपने ड्राइंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट करना है तो बताएं कौन सा बटन यूज करेंगे. पेंट बटन. रिड्यूस द जूम लेवल. क्या आपने जूम लेवल को कम करना है तो कौन सा बटन यूज करेंगे. जूम आउट. ठीक है. रिड्यूस करना है यानी स्मॉलर व्यू देखना है तो जूम आउट करेंगे. अगर हमें लार्जर व्यू देखना है तो जूम इन करेंगे. क्वेश्चन 4 है आपके पास ग्रुप द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द करेक्ट हेडर. ठीक है. आपके पास डिफरेंट दिए गए हैं कंप्यूटर के पार्ट्स कह सकते हैं या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दिए गए हैं तो आपने बताना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा है और सॉफ्टवेयर कौन सा है. ठीक है. फर्स्ट आपके पास है जी कीबोर्ड. बताएं कीबोर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है. कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर. यू कैन टच द कीबोर्ड. नेक्स्ट आपके पास है एमएस विंडोज. अब बताएं आप विंडो को टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. नो. एमएस विंडोज सॉफ्टवेयर है. ठीक है. स्कैनर. स्कैनर इज अ हार्डवेयर. प्रिंटर. प्रिंटर इज आल्सो हार्डवेयर. लास्ट वन इज एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर. ओके. अब आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी आइटम्स डू यू हैव अंडर हार्डवेयर. कि आपके पास कितनी आइटम्स है जो हार्डवेयर है तो सो काउंट 1, 2, 3. हाउ मेनी आइटम्स डू यू हैव अंडर सॉफ्टवेयर. कि सॉफ्टवेयर जो उनसे वो कितनी है. 1, 2, 1 and 2. ओके. सो दिस इज योर वर्कशीट एंड आई होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड एंड लर्न इट. थैंक यू.